गरीब पतंग वाला। राम के माता पिता का देहांत काफ़ी समय पहले ही हो गया था। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था गिन्नी। गिन्नी की सारी जिम्मेदारी राम के कंधों पर थी। राम बहुत मेहनती लड़का है, लेकिन कहते हैं ना, मेहनत के साथ किस्मत भी होनी चाहिए। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी दो वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाता। वो हमेशा यही सोचता रहता, मैं क्या करूं? इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी गिन्नी का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूं। अभी तो मुझे गिन्नी का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है, उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। राम ये सब कुछ सोच रहा था कि तभी उसके पास गिन्नी आकर कहती है, भैया आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि तेरा किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूँ। लेकिन फिर सोचता हूँ कि बड़े स्कूल में पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। तुम्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक है ना गिन्नी? भैया जब तक हमारे पास पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता, आप मेरा एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवा दो। कमला आंटी बोल रही थी कि आजकल सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ ये बात भी सही है, मैं कल ही कमला आंटी से बात करके तुम्हारा एडमिशन करा देता हूँ। राम अगले दिन गिन्नी का एडमिशन स्कूल में करवा देता है। वो गिन्नी को पहली बार स्कूल के कपड़ों में देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ भैया, आप रो क्यों रहे हो? अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो तुम्हें स्कूल जाता हुआ देख कर कितने खुश होते। अब राम रोज काम पर जाते हुए गिन्नी को स्कूल छोड़ दिया करता था। उधर गिन्नी भी मन लगाकर पढ़ने लगी। गिन्नी के स्कूल में पढ़ाई के साथ उसे आर्ट और क्राफ्ट के बारे में पढ़ाते और अच्छी अच्छी चीजें बनाना सिखाते थे। जैसे गिन्नी घर आकर अपने भाई को बनाकर दिखाती थी, देखो भैया आज हमारी मैडम ने हमें चिड़िया बनाना सिखाया, पूरी क्लास में सबसे अच्छी चिड़िया मैंने ही बनाई है। अरे वाह गिन्नी, ये चिड़िया ना तुम्हारी तरह है, छोटी सी और प्यारी सी। गिन्नी का स्कूल में एडमिशन तो हो गया था, लेकिन राम की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे अभी भी अपनी बहन के भविष्य की चिंता खाई जा रही थी। एक दिन राम काम से जल्दी घर आ गया। भैया आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? और आप तो आज उदास भी लग रहे हैं। पता नहीं क्यों, हमारी जिंदगी से मुसीबतें कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही है। जिस कारखाने में मैं काम करता था वो बंद हो गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अब क्या करेंगे भैया, घर में तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। तुम परेशान मत हो गिन्नी, हम जल्दी कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैं अपने दोस्त रमेश से कुछ काम की बात करके आता हूँ। राम अपने दोस्त रमेश के पास गया और उसे कारखाना बंद होने की सारी बात बताई। राम की परेशानी देखकर रमेश ने कहा, राम ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारी नौकरी छूट गई, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो। अरे मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ, बोलो दोस्त। मेरे सेठ हैं, उनकी पतंग की बहुत बड़ी दुकान है, तुम उनसे कुछ पतंग ले लो और उसे जगह जगह बेच देना, इससे तुम्हें बहुत मुनाफा होगा। लेकिन भाई मेरे पास पतंग खरीदने के पैसे नहीं है। मेरे सेठ बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें उधार दे देंगे। शाम को जब तुम पतंग बेच कर आओ तो अपने मुनाफे के रुपए रख लेना और सेठ जी को उनकी पतंग के जितने रुपए बनते हैं उतने दे देना। राम ने वैसा ही किया। वो सेठ जी से पतंग लेकर चला गया और जोर जोर से आवाज लगाकर पतंग बेचने लगा। पतंग ले लो पतंग, रंग बिरंगी चमकीली पतंग, आसमान में सबसे ऊंची उड़ेगी तुम्हारी पतंग, बता दो भैया कौन सा दूं तुमका रंग। राम के पतंग बेचने के तरीके ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। थोड़ी देर में वहां बहुत से लोगों की भीड़ जमा हो गई और राम की सभी पतंगें कुछ ही देर में बिक गई। अब राम पतंगें बेचने का काम करने लगा। राम को पतंग बेचने से जब ज्यादा फायदा होने लगा तो सेठ ने पतंग के दाम बढ़ा दिए। सेठ जी आज मुझे 50 पतंगे ज्यादा देना। अरे भाई राम तो 50 क्या, 100 पतंगे ज्यादा ले ले। लेकिन आज सब पतंगों के रेट बढ़ गए। अब कितने रुपए ज्यादा देने होंगे सेठ जी? एक पतंग 20 रुपए की मिलेगी। आपने तो एक पतंग के ऊपर सीधा 5 रुपए बढ़ा दिए, पहले तो 15 रुपए के देते थे, ये क्या बात हुई सेठ जी? देख राम पतंग तो 20 रुपए की एक ही मिलेगी,
तुझे लेना है तो ले, नहीं लेना तो माफ कर मुझे। राम बिना पतंग लिए दुखी मन से घर वापस आ जाता है। अपने भाई को इस तरह दुखी देखकर गिन्नी अपने भाई से पूछती है, क्या हुआ भाई, आज आप पतंग बेचने नहीं गए? सेठ ने एक पतंग पर 5 रुपए बढ़ा दिए हैं, इसलिए मैं पतंग ही नहीं ला पाया। उसे लगता है कि वो मुझे पतंग नहीं देंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। गिन्नी राम को पानी देते हुए कहती है, भैया आप परेशान मत हो, आपके लिए पतंग मैं बनाऊंगी। तुम कैसे पतंग बनाओगी, तुम्हें आती भी है पतंग बनाना? भैया हमें स्कूल में बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाना सिखाते हैं, मैंने बताया तो था आपको मुझे पतंग बनाना आती है। रुको मैं ना आपको एक पतंग बनाकर दिखाती हूँ। गिन्नी एक रंगीन कागज, कुछ डंडी और गम की मदद से एक पतंग बनाकर दिखाती है। राम पतंग देखकर कहता है, अरे वाह गिन्नी, तुमने तो कितनी सुंदर पतंग बनाई है, ये तो सेठ की पतंग से भी अच्छी है। भैया अब आप मुझे कुछ रंगीन कागज, चमकीली पन्नी और चिपकाने के लिए गोंद ले आइए, मैं आपके लिए बहुत अच्छी और सुंदर पतंगें बनाऊंगी। राम बाजार जाकर सारा सामान ले आता है, फिर वो और गिन्नी मिलकर खूब सारी पतंगें बनाते हैं। गिन्नी पतंगों को बहुत अच्छी तरह से सजाती है। अब राम पतंग लेकर बेचने जाता है। पतंग ला लो पतंग, रंग बिरंगी सुंदर सुंदर पतंग, ये पतंग उड़ेगी आसमान में ऐसे, रात में चमकते हैं चांद सितारे जैसे। मुझे वो लाल वाली पतंग देना। भैया वो नीली वाली पतंग दीजिए ना। पतंग वाला भैया मुझे हरे रंग की एक पतंग दे दो। अरे रुको रुको, मैं सबको पतंग दूंगा, आराम से खड़े हो जाओ और धक्का मुक्की मत करो। देखते ही देखते राम की सभी पतंग बिक गई। अब राम और गिन्नी मिलकर इसी तरह से रोज पतंग बनाते और बेचते। उनकी सुंदर सुंदर पतंगे पूरे शहर में मशहूर होने लगी। सभी लोग उनसे ही पतंगे खरीदते थे। अब राम ने सेठ से भी बड़ी दुकान खोल ली और सेठ का धंधा ठप पड़ गया। एक दिन सेठ राम की दुकान पर आया। राम तुमने मेरा धंधा बंद करवा दिया। मैंने नहीं सेठ, आपके लालच ने। चल छोड़ सारी बातें, मुझे कुछ पतंग दे दे, मेरे बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए चाहिए। राम ने सेठ को पतंग फ्री में दे दी। अब सेठ अपने उस दिन के बर्ताव के लिए शर्मिंदा हो रहा था। अब गिन्नी और राम ने पतंग बेचना दूसरे शहर में भी शुरू कर दिया। एक दिन राम ने अपने दोस्त रमेश से कहा, रमेश मैं अपना पतंगों का कारोबार और बढ़ाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? कैसी बात कर रहे हो राम, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। रमेश तुमने ही पहली बार मुझे पतंगों का काम करने के लिए कहा था और देखो आज मैं कहाँ पहुँच गया। अगर तुम मुझे रास्ता ना दिखाते तो मैं इस रास्ते पर कभी चल ही नहीं पाता। इस तरह राम और गिन्नी ने अपनी मेहनत और लगन से एक ऊंचा मकाम हासिल कर लिया। अब गिन्नी बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रही है और राम अपना पतंगों का कारोबार बढ़ा रहा है।